हेलो बॉयज़, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप एवरी वन इज़ डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो बॉयज़, बहुत सारे लोगों ने आपने नोटिस किया होगा कि मैं पिछले कुछ दिनों से या कुछ वीक से काफ़ी रेगुलरली वीडियोस नहीं डाल रहा था। सो गाइज़, फाइनली अब मेरे एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं और अभी मैं काफ़ी फ्री हूँ। सो गाइज़, अभी बहुत ज़्यादा रेगुलरली वीडियोज़ अपलोड करने वाला हूँ और काफ़ी सारा नया कॉन्टेंट भी एक्सप्लोर करने वाला हूँ जो कि मेरे दिमाग में है और वो फ्यूचर में अभी कुछ दिनों में रोल आउट करूँगा। आई होप आपको पसंद आए। सो गाइज़, स्टे ट्यून्ड विद द चैनल और अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो बॉयज़, जैसा कि आपको पता है कि हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा एक गेमिंग क्वेश्चन पूछते हैं। सो गाइज़, आज का आपका गेमिंग क्वेश्चन ये है कि आपको पबजी मोबाइल में मिलने वाली किसी भी दो शॉटगन्स का नाम बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में, और जो भी इसका सही आंसर देगा उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा और उसको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। सो बॉयज़, बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट अपडेट की तरफ से जो कि आ रही है सोल रेगल्टॉस की तरफ से। सो गाइज़, अभी तक तो आपको पता चल चुका होगा कि सोल रेगल्टॉस ने अपने चैनल और अपनी स्टोरीज़ के ऊपर अपडेट करके ये बता दिया कि उनके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुकी है और उनकी लाइव स्ट्रीमिंग डिसेबल हो चुकी है 3 मंथ्स के लिए। सो गाइज़, मैंने इस बारे में थोड़ी सी और रिसर्च करी और पता लगाने की कोशिश करी कि उनके स्ट्राइक क्यों पड़ी है। हालांकि अभी तक रेगल्टॉस या सोल के किसी भी मेंबर ने ये डिस्क्लोज नहीं करा है कि क्यों स्ट्राइक आई है। वो कि ऑब्वियस रीजन है कि अगर किसी को बता दिया कि किसने स्ट्राइक मारी है तो उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा हेट मिल सकता है। सो बॉयज़, मैंने और थोड़ा ट्राई करा और पता करने की कोशिश करी कि उनको किसने स्ट्राइक मारी है, उनको स्ट्राइक किस लिए मिली है। सो गाइज़, कल केतन के व्लॉग में भी उन्होंने बताया कि उन्होंने मेंशन करा था कि रेगल्टॉस को स्ट्राइक आ चुकी है और वो काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेटेड है, और उन्होंने ये भी मेंशन करा था साथ ही साथ कि उनकी एक बहुत पुरानी वीडियो पर स्ट्राइक आई है। तो बस इसके बाद मैंने रेगल्टॉस का चैनल थोड़ा सा और एनालाइज़ करा और उनकी सारी पुरानी वीडियोस को एक बार गो थ्रू करा, तो मैंने देखा कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पबजी मोबाइल का कंटेंट अपलोड करा है और 1 से 1.5 साल पहले उन्होंने थोड़ा सा मिनी मिलिशिया का भी कंटेंट अपने चैनल पे अपलोड किया था। सो गाइज़, मिनी मिलिशिया से तो मुझे नहीं लगता उनको कोई स्ट्राइक आई होगी, मोस्ट प्रॉब्ली उनकी कोई पबजी की वीडियो पर स्ट्राइक आई है। और गाइज़, जहाँ तक पबजी की वीडियो का सवाल है, तो बहुत बार पबजी मोबाइल में बहुत सारे इवेंट्स आए थे जो कि बहुत पहले सीज़न 2 सीज़न 4 इस सब में जो इवेंट्स आए थे उसमें बहुत बार देखा गया था कि कुछ कॉपीराइटेड गेम प्लेज या कॉपीराइटेड सॉन्ग्स चलते थे पबजी मोबाइल के अंदर जो कि हम लाइव स्ट्रीम्स पे नहीं दिखा सकते थे, और बहुत सारे यूट्यूबर्स को पहले भी इस रिगार्डिंग कॉपीराइट क्लेम्स और कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ चुकी हैं। सो बॉयज़, मैंने इसके बारे में और थोड़ा सा रिसर्च करा तो मुझे पता चला कि कुछ वीक्स पहले एक मिस्टर स्पाइक नाम के यूट्यूबर हैं जो पबजी मोबाइल के गेम प्ले वीडियोज़ और लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, उनको पबजी मोबाइल ने एक ही साथ 36 स्ट्राइक्स मारी उनके चैनल पे, और वो कि एक ऑफिशियल स्ट्राइक्स थी जो पबजी मोबाइल के चैनल के पबजी मोबाइल ने खुद उनके चैनल पे मारी थी। और गाइज़, अगर आपको ये मिस्टर स्पाइक की वीडियो का लिंक चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप जाके उनके बारे में और पता कर सकते हैं। और बॉयज़, जहाँ तक ये कॉपीराइट स्ट्राइक्स का मामला है, ये पहली बार अपनी कम्युनिटी में नहीं हुआ था। अगर आपको याद हो तो डायनेमो गेमिंग को भी लास्ट ईयर एक स्ट्राइक पड़ चुकी थी अपने चैनल पे और उनकी लाइव स्ट्रीमिंग भी डिसेबल हो चुकी थी, बट उनके फॉर्चुनेटली उनके काफ़ी ज़्यादा कनेक्शंस थे तो उनकी लाइव स्ट्रीमिंग वापस से 3 डेज के अंदर वापस स्टार्ट हो गई थी और उनकी कॉपीराइट स्ट्राइक हट गई थी। सो गाइज़, आई होप कि रेगल्टॉस के केस में भी यही हो और उनकी लाइव स्ट्रीमिंग वापस से इनेबल हो जाए और कॉपीराइट स्ट्राइक हट जाए। सो बॉयज़, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो अपनी नेक्स्ट अपडेट आ रही है सोल मॉर्टल की तरफ से। सो गाइज़, जैसा कि आपको पता है कि पबजी बैन हो चुका है अपनी इंडिया में। अब पबजी मोबाइल के बहुत सारे जो बड़े बड़े क्रिएटर्स थे वो अब दूसरे गेम्स में शिफ्ट हो चुके हैं और अभी बेसिकली फोकस कर रहे हैं कॉन्टेंट क्रिएशन और स्ट्रीमिंग पे। जो भी हमारे पबजी मोबाइल के कॉन्टेंट क्रिएटर्स और जो कॉम्पिटेटिव प्लेयर्स थे वो कॉन्टेंट क्रिएशन कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लाइव स्ट्रीम्स कर रहे हैं जो कॉम्पिटेटिव प्लेयर्स थे, जो उनके पास ज़्यादा कॉन्टेंट क्रिएशन का एक्सपीरियंस नहीं था और जिन्होंने ज़्यादा कॉन्टेंट क्रिएशन या लाइव स्ट्रीमिंग करी नहीं, जो कि बेसिकली अपनी फोकस थे कॉम्पिटेटिव लाइन के लिए। सो गाइज, उनको काफी ज्यादा सेटबैक हुआ है पबजी बैन के कारण और उनको अब ज्यादा ऑडियंस मिल नहीं रही है और उनका एक तरीके से ड्रीम शैटर हो चुका है पबजी में कॉम्पिटेटिव खेलने का, क्योंकि अभी कोई भी कॉम्पिटेटिव टूर्नामेंट हो नहीं रहे इंडिया में पबजी मोबाइल के। सो गाइज, उस रिगार्डिंग मॉर्टल ने अपनी लाइव स्ट्रीम पे उनको रिप्लाई देते हुए कुछ ये बोला। आपको और कुछ नहीं, दूर रखा है क्या पीछे आपने? I want to represent in tournaments, not just streaming. Hey, Adira Telugu gamer, that is something which depends upon the org, जो मतलब नॉट द ऑर्ग बट इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी। वो लोग अगर गेम डेवलपर्स, वो लोग अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं कंट्री में फॉर टूर्नामेंट्स तो ही हो सकता है वो। सो बस जैसा कि आपने सुना कि मॉर्टल ने ये बताया कि जब तक कोई भी कंपनी या कोई भी बड़ी कंपनी या कोई भी जो नया गेम जो फेमस होगा फ्यूचर में आने वाला, अगर वो कॉम्पिटेटिव में जब तक वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक आप कॉम्पिटेटिव नहीं कर पाएंगे। और गाइज, मेरी भी आपको एक एडवाइस यही रहेगी, अगर आप एक कॉम्पिटेटिव प्लेयर थे पबजी मोबाइल के, जब तक पबजी मोबाइल बैन नहीं होता, अनबैन नहीं होता इंडिया में, और जब तक कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आती, तब तक आप अपने कंटेंट क्रिएशन या स्ट्रीमिंग पे फोकस करें, ट्राई करें कि आप दूसरे गेम्स, नए गेम्स को एक्सप्लोर करें, उसमें फ़न करें,
आई नो कि बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट करा है पबजी मोबाइल को, और काफ़ी खास करके कॉम्पिटेटिव प्लेयर्स जो T1, T2, T3 कस्टम्स खेलते थे, उन्होंने दिन दिन के 8-8 घंटे इस गेम के ऊपर लगाए हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा अभी सेटबैक फील हो रहा होगा, कैन अंडरस्टैंड, बट क्या कर सकते हैं गाइज, वी आर इन टू दिस टुगेदर। और आई नो, आई होप कि जल्दी से इसका कोई सोल्यूशन निकल आए और एक फाइनल अनाउंसमेंट आ जाए जिससे कि प्लेयर्स मूव ऑन कर पाएँ। सो बॉयज, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या कंटेंट पसंद आया हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और स्टे ट्यून रहना गाइस, चैनल से बहुत सारा नया कंटेंट और नया आइडियाज़ है मेरे दिमाग में जो कि मैं रोल आउट करने वाला हूँ, और आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। सो गाइज, स्टे ट्यून, जब सब्सक्राइब करो तो वो बेल आइकन ज़रूर दबा देना। टिल देन मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। गोदी में रफ्तार उछाला, कई जाला में भिड़ाला, एक तक चाला अकेला मैंने पूरा सीन बना डाला, तेरे जैसे चले को सेंग बना डाला, हिप हॉप में आ रहा था बग बग डाला, रफ्तार के बनता है।